माँ, माँ, तुझे शर्म नहीं आई? तू सबके सामने मुझे देखकर हंस रहा था? अपनी माँ का मजाक बनाया तूने? मैंने बोलने की कोशिश की थी। चुप। माँ, इसलिए मैं माँ, अरे घर में लगाई हुई सारी तस्वीरें फेंक दो। कॉल के एक एक को एक भी नहीं दिखनी चाहिए मुझे। ए लड़की, ये तू रोज रोज की हदें पार कर रही है ना, आगे जाके इसकी कितनी भरपाई करनी पड़ेगी तुझे अंदाजा नहीं है? तुझे मुझे जीतना इतना आसान नहीं है जितना तू समझ रही है। मुझे तो ये हार जीत का खेल खेलना ही नहीं है मिसेस मेहता। मैंने तो बस अपनी मम्मा की एक फोटो लगाई, वो भी अपने कमरे में। आप तो उस कमरे में आते भी नहीं है, फिर भी आपको उससे तकलीफ होगी। आप जितनी बार मेरी मम्मा की फोटो हटाएंगी, मैं उतनी बार मेरी मम्मा की फोटो वापस लगाऊंगी। और सोचिए, अगर एक बंद कमरे में रहते हुए मैंने इतना सब कुछ कर लिया, तो जब वो कमरे का ताला खुलेगा तब क्या क्या करूंगी? ठीक है, लगा ले फोटो अपनी माँ की, लेकिन सिर्फ तेरे कमरे में। सॉरी, वो मैंने देखा नहीं। कोई जरूरत नहीं है, हमारे घर में नौकर है, तू अपना काम कर। एक मिनट जरा, ये पेपर दीजिए दीजिए। लेकर जाना बाहर इस कचरे को। उसी हॉस्पिटल का लेटर है ना जहाँ पर मेरी मम्मा थी, और ये लेटर मेरे लिए आया था, है ना? बोलिए, बोलिए ना। मैंने जलाया तुम्हारा इनवेलप। क्योंकि उस पर तुम्हारा नाम लिखा हुआ था, और अगर मुझे ऐसी कोई भी चीज मिलेगी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा होगा, मैं उसे भी जला दूंगी, समझी? तो क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसे? क्या बिगाड़ा मैंने तुम्हारा? जानती भी हूँ कितना इम्पोर्टेंट था ये लेटर मेरे लिए। मैं तुम्हारी चीजों को हाथ भी लगाऊंगी और चलाऊंगी भी। और हाँ, अगर तुम्हें इतनी ही प्रॉब्लम है ना, तो फिर तुम वापस के लिए चल जाती वहीं अपने उस गंदे से घर में। बोलो। ओके, जितना हाथ लगाना है लगाओ, जितने पेपर्स जलाने हैं जलाओ, पर मैं तो यही रहूंगी हमेशा इसी घर में। ए, तेरी इतनी हिम्मत? एक मिनट के तक बहुत हो गई है तेरी नौटंकी।
चल अपने कमरे में। इतनी सी लड़की और इतनी बड़ी अकड़, चल 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 चल, चुपचाप बैठी रही यार। खबरदार कमरे से बाहर कदम निकाला तो टांगे तोड़ दूंगी। जरा मैं भी तो देखूं कैसे करती है तू यहां से अंदर और बाहर। ये सारे बक्से कहां से आ गए? पकड़ी गई ना तू पिद्दी। अरे वाह, तू तो बड़ी चालू और पहुंची चीज है। ये है तेरा आजादी का रास्ता। यहां से तू और तेरी पूरी फौज अंदर से बाहर और बाहर से अंदर आते हैं। चलो उठ। मैंने ये खिड़की नहीं बनवाई, ये खिड़की पहले से बनी हुई थी। मुझे पता है मेरे घर में क्या है, पता मुझे पता। कौन आता है तुझे मदद करने, बोल। अरे बताना कौन आता है। पापा आते हैं मेरी मदद करने। मारू तुझे, क्षमा करना गणपति पापा, मुझे क्षमा करना। ये कितनी गलत बात है, मत लेना मेरे भगवान का नाम अपनी जुबान से। एक तो खुद गलत काम करती है और मेरे भगवान का नाम लेती है। वो सिर्फ आपके भगवान नहीं है, वो मेरे भी पापा है। अरे ये ही करके हंस रही है तू क्या? अरे भीमा आ जाओ, पकड़ो उसको। वो देखो 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 आ जाए, फिर इधर आया है। पकड़। अरे निकम्मे, एक चूहा नहीं पकड़ा जा सकता तुझसे, पकड़। अब उसे मारो और घर के बाहर फेंक दो। माफ करना पापा, माफ करना, मुझे माफ कर देना। इतना बड़ा पाप, चूहे महाराज को यानी पापा के बाल को आप मारेंगे। तौबा तौबा तौबा, माफ करना पापा, माफ करना। ठीक है, ए ए हरी, उसको बड़े प्यार से बाहर बाहर निकाल दिया। उसको उसको मारना नहीं है, मारना नहीं, प्यार से देख देख देख, उसे कहीं चोट तो नहीं आई। हाँ अभी बड़े प्यार से उसको बाहर छोड़ देना, बाहर छोड़ देना। अरे गणपति बाप्पा का वाहन है वो, जा। गणपति बाप्पा मैं क्षमा करता हूँ, क्षमा करता हूँ बाप्पा।